टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो जरा देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अपॉन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. सो कोवेलेंट बॉन्ड ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग. वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड को आपने पहले भी किया है ऑन बेसिस ऑफ शेयरिंग और कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप हैं. पहला है कि ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग और दूसरा क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं तो इसके थ्री टाइप हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल, डबल और ट्रिपल. ठीक है. और जबकि इनके बेसिस पर दो तरीके के होते हैं कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा और पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड आगे डिवाइड होते हैं कई कैटेगरी में. ठीक है. सो आगे होते हैं एसएस सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरे हो जाएंगे एसपी सिग्मा बॉन्ड और पीपी सिग्मा बॉन्ड. जबकि पाई बॉन्ड दो तरीके से हो सकते हैं, दैट इज पीएक्स पीएक्स. यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पी जेड के साथ करेगा. देखा जाए तो ये पी जेड है और पी वाई पी वाई. तो ये हमारी फ्लो चार्ट है. वैसे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका एक और भी टाइप है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पर डोनेशन इज फ्रॉम वन साइड ही होता है, तो उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. वो यहाँ नहीं बताया गया. अब देखो तो हम देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग. सो ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि शेयरिंग तो दोनों में ही हो रही है. पहला है सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सो इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, बाई एंड ऑन ओवरलैपिंग. एंड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड या हैंड ऑन, हाथ से हाथ पकड़ लो, हैंड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो आपस में बॉन्ड बनाए उन्हें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं. ठीक है. Along the inter-nuclear axis, along the कुछ non-bonding orbitals होती हैं जिनमें lone pair of electron रहते हैं. क्या ये बात आपको मालूम है? जैसे H2O में O के पास दो non-bonding orbitals हैं ना, वो किसी से share करती हैं अपने दो दो lone pair. बोलो, बताओ. तो वो non-bonding है. Non-bonding होती हैं. Non-bonding orbitals are the orbitals containing lone pair of electron. इतनी बात समझ आ गई ना? यहाँ लिख दें non bonding
ऑर्बिटल्स, आर ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे सीएल है, तो सीएल के केस में हमने ये बात देख ली थी कि एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया उनको क्या कहेंगे, क्या नॉन बॉन्डिंग कहेंगे? और जिसने एच के साथ बॉन्ड में बना लिया तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुई कि नहीं? और ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुई, और जबकि ये दोनों कौन सी हुई? ठीक है, तो ये HCl का मॉलिक्यूल है। तो ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये जो इनकी ये एक्सिस थी, क्या ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है? क्या यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस लाई कर रहा है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर उन्होंने बॉन्डिंग की है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर डेवलप हुई है? बोलो, दोनों के न्यूक्लियाई, एच एच और सीएल के न्यूक्लियाई क्या एक ही एक्सिस पे नहीं है? क्या उसी एक्सिस पर, एक दो दो पॉइंट से तो खैर एक एक्सिस जा ही सकती है, तो वो एक उस एक्सिस से जाने वाले जो भी हैं पॉइंट्स पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हुई है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो इसको कहते हैं एंड ऑन ओवरलैपिंग, इसका एक सिरा ऐसे कर गया है अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और एक्सियल ओवरलैप चाहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसे हम दूसरा नाम क्या दे दें? नाउ इट इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी इसको कहा जा सकता है। एक फिल खत्म हो गए। सो अब देखो, इट इज कॉल्ड एक्सिस पर हो रहा है तो एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। सो एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, एंड दिस कैन बी फॉर्म बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो उसके अलग अलग एग्जांपल क्या हैं कि इट्स टाइप्स आर, पहला दैट इज एस एस ओवरलैपिंग, एस एस में तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं, ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑलवेज रिजल्ट्स इन एस एस सिग्मा बॉन्ड, उनका हमेशा क्या होता है, क्या एस एस सिग्मा बॉन्ड ही बनता है? बताओ, जैसे एच टू में हो जाए, दोनों एक जैसी हों, तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? क्या ये इनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और उसी एक्सिस पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो रही है? सो इसे क्या कहेंगे, एक्सियल ओवरलैप
एंड ऑन ओवरलैप, एंड टू एंड भी कह सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैप या बुक कहती है एंड टू एंड बोलो, एंड टू एंड ओवरलैप, ओवरलैप ऐसा कह सकते हैं या हेड ऑन ओवरलैप है। तो ये H2 का मॉलिक्यूल है और ये इसकी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। सो SS ओवरलैप हो गया, ये SS सिग्मा बॉन्ड। सेकंड देखो कि SP ओवरलैपिंग, S स्मॉल है, P भी स्मॉल है, ये सब स्मॉल है, ऑर्बिटल स्मॉल में होती है। SP ओवरलैपिंग सो इट अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड S ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल। सो इट अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड S ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल। क्या इससे बनने वाली जो होगी वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगी कि कभी पाई भी हो सकती है? बताओ। बताइए। इंटरन्यूक्लियर क्यों? क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये चीज़ जो होगी ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही होगी। सो इट इज़ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, इट ऑलवेज रिजल्ट्स। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। और कौन सा सिग्मा बॉन्ड होगा? यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड दिखाया गया ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? क्या ये SP सिग्मा बॉन्ड है? तो इसका एग्जांपल को क्या हो गया? HCl। HCl इसका एग्जांपल है, तो जिसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे इसी से करता, वो जहाँ से भी करता HCl वही उसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती। मान लीजिए ये ऐसे कर लेता, और इस पे दो इलेक्ट्रॉन होते, इस पे दो इलेक्ट्रॉन होते और इस पे सिंगल होता और H यहाँ आ जाता, तो भी क्या ये एक्सिस इसके न्यूक्लियाई से ना गुजरती? बोलो। वो H कहीं भी चला जाता, वो तो दोनों के न्यूक्लियाई से गुजरती, दो पॉइंट से तो हमेशा होता है। तो ये भी HCl ही है, तो जो जिससे वो कर रहा है वही PZ है। समझ में आई बात कि नहीं? जिससे वो करेगा वही PZ है, बाकी को दो को आपको PX PY बोलना पड़ेगा। मान लीजिए वो इससे कर लेता तो क्या वो सिग्मा बॉन्ड ना होता? बताओ। क्योंकि वो दोनों के न्यूक्लियस से गुजरता, तब भी ये वही बात होती। तो इस तरीके से अभी ये SP सिग्मा बॉन्ड है, ये भी SP सिग्मा बॉन्ड है, और ये जितनी भी एक्सिस दिखाई जा रही हैं ये सब क्या हैं? क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं? जो दो न्यूक्लियाई से गुजरे उन्हें क्या कहेंगे? न्यूक्लियस एक्सिस। अच्छा आप देखो, PP ओवरलैपिंग। सो PP ओवरलैपिंग व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स, व्हेन टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स ठीक है, ओवरलैप एंड टू एंड, एंड टू एंड, तो क्या होगा? देन
इट रिजल्ट्स इन पी पी सिग्मा बॉन्ड, या इसे पी जेड, पी जेड भी कह सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को पी जेड कहा जाए, कहना हो तो कह दो, नहीं कहना हो तो नहीं कहो, कोई बोलता नहीं है। जैसे सी एल टू देख लो या एफ टू देख लो, तो एफ टू में ये है किसी भी एक्सिस पे कर सकता है, कोई प्रिफर्ड ओरिएंटेशन तो है नहीं नेचर में, डायरेक्शन सब होमोजीनियस होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है होमोजीनिटी डायरेक्शन में है, होमोजीनिटी टाइम में है, ये हम देखते हैं प्लेसेस में है, सब ये चीज़ होमोजीनिटी नेचर में हैं। तो ये देखो इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो दो दो एक एक कर दिया हाफ पे लेते हैं और एक और बनाओ, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि दो एटम है और दोनों टर्मिनल है ना, दो में थोड़ी ना होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एफ है, एफ में क्या होता है 1s2 2s2 और 2p5 हमने बताई कि नहीं, अब ये कौन सी और हो गई ओवरलैपिंग, पी हो गई या पी जेड भी बोल सकते हो, जैसा चाहो वैसा बोलो। सो मैं इसको पी जेड बोल देता हूँ, आगे आप पी बोल देना, सिग्मा बॉन्ड ही भी बोल सकती हो, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अगर ये ऊपर करता तो वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाती, दो पॉइंट से तो एक ही एक्सिस जाएगी ना, ठीक है कि नहीं। देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फॉर टू। तो इस तरीके से हमने देखा एस 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 पी 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 देख लिया, ठीक है। नाउ पाई बॉन्ड देखो, न्यूक्लियस है ये और ये न्यूक्लियस है, और ये कौन सी एक्सिस है, क्या ये न्यूक्लियस बनाएगा, आप सिग्मा बन गया, आगे मान लो दूसरी खाली होगी तो पाई बनाएगा, सिग्मा के बनने के बाद ही पाई बनता है, अगर एक खाली होगी तो सिंपली हाथ पकड़ लेगा, एक और खाली होगी तो ये है, फिर ऊपर से भी कर लेगा, तो सबसे पहले हाथ पकड़ा जाता है, फिर दोनों के पास आधा आधा दिमाग है तो सर से सर टकरा लेगा, चलो दोनों दिमाग लगा के बिजनेस करें, तो सबसे पहले सिग्मा बनेगा ना, सिग्मा के बाद ही तो हाथ मिलाओगे किसी दोस्त से, तभी तो उसके बाद आधा होमवर्क वो कर ले आधा तुम कर लो, तो दूसरा पाई होता है ना, पहले सिग्मा बनेगा तब पाई बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स ओनली टेक्स प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, समझ में आई बात। सो अब हम लोग देखेंगे कि पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड हो जाएगा, जैसे ये दो तरीके के होते हैं और इसमें किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच ए वे दैट देयर एक्सिस रिमेंस पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच ए वे दैट देयर जो भी उनकी है एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल, एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बट परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्सिस हियर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी डज नॉट लाई ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सो बट समवेयर इन द प्लेन, कहीं ना कहीं लाई करेगी, अभी दिखा रहे हैं। समवेयर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कंट्रेरी टू सिग्मा बॉन्ड। इसमें वहां पर होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ओ टू है, तो ओ टू के फॉर्मेशन में अब पहला देखो कि पी पी ऑर्बिटल है, तो इसका एक ही टाइप है, पी पी पाई बॉन्ड, बस यही है। एग्जाम्पल्स आर या टाइप्स आर पी पी सिग्मा बॉन्ड, बहुत सारे तरीके के हैं, वो बता रहा है। टाइप्स आर पी एक्स पाई बॉन्ड, पी वाई पाई बॉन्ड, पी वाई या पी पी और डी, डी का कुछ भी हो सकता है। अब हम वाई लें या एक्स लें, इससे मतलब नहीं है, बस पी ले लो। पी डी पाई बॉन्ड, डी डी पाई बॉन्ड, आप देखो मान लीजिए ओ टू है, तो ओ टू में जो ओ है वो 1s2, 2s2 और 2p4 है। तो दिस इम्प्लाइज 1, ठीक है, 2 और p4 है, ये सा हो गया। तब इसमें दो ऐसी ऑर्बिटल हैं कि जो किस तरीके से हैं, हाफ फिल्ड हैं, क्योंकि दो ही है तो सेंट्रल एटम का कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल हो गए और ये इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इन्होंने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियाई है ना, न्यूक्लियस, ये भी तो न्यूक्लियस है, और एक थर्ड ऑर्बिटल है जो कंप्लीटली फिल्ड है। ये फिल्ड है लेकिन इन दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। क्या इन दोनों की जो एक्सिस है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और क्या इन दोनों की एक्सिस आपस में पैरेलल है? क्या इन दोनों की जो ओवरलैपिंग होगी वो एक ऐसे प्लेन पर होगी जो प्लेन परपेंडिकुलर टू न्यूक्लियर एक्सिस होगा और उसी में ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में लाई करेगी, उसी पर प्लेन पर तो लाई करेगी, ये जो बीच में प्लेन बना दिया। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर इनके बीच बनने वाला बॉन्ड क्या है, दैट इज पी एक्स या पी वाई लिख लेना कुछ भी, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और ये पी जेड, पी जेड क्या है, पी जेड सिग्मा बॉन्ड। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक पी ऑर्बिटल थोड़ी इधर झुक गई जिसको करनी है, और एक पी ऑर्बिटल इधर झुक गई, और ये वाली भी बोलने लगी कि ठीक है हम लोग ऐसा करते हैं कि आपस में थोड़ा सा झुक जाते हैं, छोटे छोटे हैं तो ऐसे हम बना देते हैं। बाकी झुक गई है, और एक पी ऑर्बिटल तो ये थी और ये पी ऑर्बिटल ऐसी थी, इन लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बना लिए। अब जरा देखो कि ये झुक गए हैं, इन्होंने
दो इलेक्ट्रॉन इधर बना लिए। अब यहाँ पर अगर देखो तो एक प्लेन पास हो रहा है, क्या वो प्लेन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है? फिर भी वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर तो नहीं है ना, सो ये मूव कर गई थोड़ी सी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए, तो ये और भी एक ऑर्बिटल होगी, तो वो और एक और भी ऑर्बिटल होगी, दैट हैज़ नॉट बीन शोन बट इट विल बी देयर। तो यहाँ पर उन दोनों को दिखाया गया, तीसरी को भी दिखाना चाहो तो तीसरी भी दिखा सकते हो, बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स वी आर नॉट शोइंग। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये पी जेड और ये कौन सी है, पी एक्स और पाई बॉन्ड, बोलो पाई बॉन्ड ये है, और दिखाना चाहोगे तो वो दिखाई जा सकती है बट दैट कैन नॉट बी शोन क्योंकि वो 3D है, वो पीछे दिखाना पड़ेगा कहीं पर, उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको नहीं दिखाई, ये झुक गई। अब कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं ये ना दिखा करके कि सिंपली ऐसे दिखा दें, लेकिन उसे झुकना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को भी तो जगह देनी पड़ेगी। हम ऐसे दिखा सकते हैं, बुक में दिखा है, लेकिन ऐसे हम बना नहीं सकते ना, क्योंकि बीच में फिर पाई बॉन्ड के लिए, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए भी तो जगह चाहिए कि नहीं। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो रही है, बीच में नोड है क्या, वो खाली जगह है, और ये क्या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है? बात तो समझ में आ गई होगी ना आपको कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और ये है, सो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बताओ? ये ऑक्सीजन का ये क्या पूछ रही, बताओ इसमें एक है सिग्मा बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बना फिर पाई बना, अगर टूटेगा भी तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे ये है ना O2 खट से तोड़ देगा एक एक बॉन्ड, ये वाला तोड़ेगा, और अगर ये तोड़ लेगा तो फिर वो क्या करेगा बताओ, कि अगर एक बॉन्ड तोड़ लेगा तो कहीं ना कहीं मान लो किसी ने इसको गर्म कर दिया H2, तो क्या ये अपना एक बॉन्ड तोड़ लेगा क्या, और कौन सा टूटेगा, कौन सा वीकर है, किसमें अच्छा ओवरलैप नहीं है, सही में वो टूट जाएगा, और ये सही ओवरलैप है, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटा, ये अच्छे से ओवरलैप कर रहा है, कभी ये नहीं टूटेगा, और तीसरे वाला तो फील्ड है ये भी नहीं टूटेगा, ठीक है। मान लो जैसे आपने इसे हीटअप कर दिया, इसको गर्म करो, सो हीटअप करने पे ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, और ये दो इलेक्ट्रॉन, बोलो बात सही है, अगर ये बॉन्ड टूट गया और दोनों तरफ HH आ गए तो ये क्या करेगा, तब अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये इस तरीके से ये और यहाँ पर ये ऐसे रहेगा और कह देगा ऐसे कि ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ, अब मेरा बॉन्ड तो टूट गया, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला जानती हो, ये नहीं जानती हो ये चीज़ हो जाएगी, चूंकि इनमें रिपल्सन ज़्यादा है तो आप ये कह सकती हो कि ये इधर होगा ये इधर होगा, खुली किताब जैसा स्ट्रक्चर होता है, कि मान लीजिए कि कोई बुक हो तो ये और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, इस तरीके से लाई करता है, तो बुक के पेजेस खोल लो तो HOOH मतलब ये इधर ना के इधर आएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही है, क्यों रिपल्शन में रहेंगे, इधर आ जाएंगे। समझ में आई बात, बोलो थोड़ा और बता दें, थोड़ा और बताएं। अच्छा,
ये इनके बीच बॉन्ड था क्या? पाई बॉन्ड टूट गया, हीट किया, और क्या एक एच आ गया इसके पास, और एक एच इधर आ गया, इसको क्या है अपने कमरे में इसका इधर से इधर आना है, और फिर इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया। तो मेरा कहने का मतलब है अगर टूटने की नौबत भी आती है तो ये एच ओ ओ एच यानी एच टू ओ टू, तो इसको कहते हैं परऑक्साइड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो चाहे सल्फर में हो तो पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसे परऑक्साइड कहते हैं, दैट इज आई ड्रॉप, ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारे घर से जो बहुत सारा ड्रेनेज है उसको और ह्यूमन एक्सक्रीटा को ही ऑक्सीडाइज करता है, और बैक्टीरियल एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उसको डाइजेस्ट करवाता है डाइजेस्टर में और तब उसे नदी में फेंक देता है। समझ में आई बात? तो खैर हमें इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता पाई टूटता है। मेरा उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया ना, ये अभी नहीं है। अच्छा तो आपने पी पाई समझ लिया क्या है? बीच में नहीं है और इधर इधर है। कुछ और पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ें। कि अगर मान लीजिए ओ ऐसे ओवरलैप कर जाए कि उसकी एक ऑर्बिटल जो इस प्लेन में लाई कर रही है वो ओवरलैप कर जाए तो तब क्या होगा? यानी प्लेन में लाई करने वाली ओवरलैप कर जाए तो भी बन जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ये इसका एक्सिस है और ये इसका एक्सिस है और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में भी ऐसे बॉन्डिंग हो सकती है, तो उसे ऊपर पी एक्स पी एक्स कहा, तो अब इसे क्या कहते हैं? क्या पी वाई पी वाई? तो इनके भी नाम पड़ जाएंगे कि पी वाई पी वाई, तब भी तो परपेंडिकुलर ही रहा, तो वो जो है प्लेन क्या है? पी वाई पी वाई। समझ में आया? और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, सो दीज आर द टू ऑर्बिटल्स गेटिंग ओवरलैप विच आर इन दिस प्लेन। बाकी और सब कुछ भी होता रहेगा, उनकी यहाँ पर बात नहीं की गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जैसे पी है और इसको ओरिएंटेशन मिल जाए किसी डी से, तो डी कहेगा ठीक है हम तुमसे ओवरलैप कर दें। अगर इनका ओरिएंटेशन ठीक रहा तो डी कहेगा ठीक है और ऐसा हम आपसे कर सकते हैं। तो जब ये इस तरीके से हो तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, पी पाई डी पाई क्या कहते हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं, सो पी पाई डी पाई। थोड़ा सा पहले चलें तो मैं आपको पेज नंबर बता दूं कि ऐसा कहाँ होता है। नाउ यू कैन कम टू पीरियोडिक टेबल ऑन पेज नंबर, बाकी आगे तो इसकी चर्चा है, ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड बहुत विस्तार से इनकी चर्चा की गई है, बट लेट अस सी जब बुक में दिया गया है तो कहाँ पे है ये। जस्ट एक मिनट, तो ये बात दी गई है पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। चलो पी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है, हमने आपको बता दिया पेज नंबर 90 में लास्ट में ये चीज़ दी है, पी पाई फिर भी दिया है, लेकिन ऐसा होता है। तो इसको क्या कहेंगे? पी पाई डी पाई ओवरलैप, ये भी सेम ओरिएंटेशन पे है। लेकिन क्या आप इस प्रकार की भी कोई कल्पना करती हैं? कि जहाँ ऐसी ओवरलैपिंग होती हो, अगर ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो कैसी ओवरलैपिंग होगी? क्या डी पाई डी पाई? बताओ, हाँ नहीं तो बोल दो, बाकी तो है तो सब एक ही तरीके की इनका एक्सिस। Am I audible?
अभी आवाज आ रही है, समझ में आ गया ना कि कितने तरीके से हो सकती है। सो पाई बॉन्ड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड बन जाएगा तो क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं, ठीक है। सो पाई बॉन्ड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड्स क्या होता है, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड एग्जिस्ट्स, व्हाइल इन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट्स। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड से वीक भी होते हैं, तो दे ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट एंड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एट लास्ट। पाई बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, व्हाइल सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स लास्ट। तो वो लास्ट में ब्रेक करता है। ये इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अंतर है। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। लेट अस लिस्ट इट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। सो नाउ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाई एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज फॉर्म्ड बाई एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जबकि पाई बॉन्ड्स आर, इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे ये है तो ये एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का लेटरल साइज है, तो इधर इधर ये चीज अगर ओवरलैप करे किसी में, ये लेटरल है, तो लेटरल ओवरलैप, ये एंड है, इसको कहेंगे एंड। किसी भी सिलेंडर का ये लेटरल हिस्सा है, जो ऊपर से देखने पर ना दिखे वो लेटरल है। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स कैन बी, यहाँ पर जो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, exists independently, ठीक है। और इसमें क्या होता है, exist along with sigma bond, exists along
विद सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा अलाउ फ्री रोटेशन और डज नॉट अलाउ रेस्ट्रिक्ट्स फ्री रोटेशन, रेस्ट्रिक्ट्स फ्री रोटेशन। जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि ये है, क्या ये F2 है बताओ, F2 है ना, तो इस पर ये बीच में जुड़ गए तो क्या ये दोनों रोटेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा अपना गुच्छा रोटेट कर सकता है और ये अलग से, बोलो, क्योंकि यहाँ जुड़े हैं तो जुड़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या ये दोनों गुच्छे आपस में रोटेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। और यहाँ पे अगर इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया, अब रोटेट कर पाएंगे कि अगर रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड खट से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट नहीं गया घूमने से, बॉन्ड है तो कैसे रोटेट कर पाओगे, टूट जाएगा। तो इस तरीके से इनमें रोटेशन पॉसिबल है, ये कह सकते हैं कि इनमें चाहे ऐसे रोटेट करो, तुम चाहे ऐसे रोटेट करो, जैसे मर्जी तैसे रोटेट करो, कोई मर्जी है, जबकि यहाँ पर नो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो ये चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड में तो और मुश्किल है, एक ये इसके साथ बंधा ही है इसके साथ, तो कहाँ पे रोटेट होगा, जरा सा घूमा नहीं कि टूटा, डबल बॉन्ड ही में टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, सो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है इसको, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सबसे ज़्यादा इसी को तोड़ने में एनर्जी लगती है क्योंकि स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और ये कैसा है, इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पाई बॉन्ड, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पाई बॉन्ड ये नहीं है। इसमें क्या होता है कि हैज सिलिंड्रिकल चार्ज सिमेट्री, सिलिंड्रिकल चार्ज सिमेट्री, यानी अगर दो चीजों के बीच में बॉन्डिंग हो रही और ये एक्सिस है और दो दो बॉन्ड आपस में बन रहे हैं, ये भी है इधर भी है, इन्होंने आपस में ओवरलैप कर लिया, तो ये एक एक्सिस है और एक्सिस में यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखो तो जैसे सिलेंडर होता है, तो सिलिंड्रिकल एक्सिस में क्या होता है, सिलिंड्रिकल एक्सिस में बराबर दूरी पर सब तरफ चलो तो बिल्कुल एक जैसी चार्ज मिलेगी, उसको कहते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर सेंटर से यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, तो उनमें एक जैसी चार्ज सिमेट्री मिलेगी नहीं, तो ये एक्सिस है, तो इसे आप ये कह सकते हो कि सिलिंड्रिकल एक्सिस, जितनी एक मिलनी चाहिए, तो इसमें कैसी है सिलिंड्रिकल चार्ज सिमेट्री, जबकि दूसरे वाले में कोई सिमेट्री नहीं है, ऐसा कुछ सिमेट्री नहीं कि सेंटर से एक्सिस से चारों तरफ चलो तो एक जैसा मिले, वो तो पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज है। तो वहाँ पर जो दूसरे केस में हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ठीक है वैसी चार्ज सिमेट्री नहीं देखने को मिलती जैसी इसके केस में हमें देखने को मिल रही है। नाउ अब देखिए कि यहाँ पर दो अलग अलग हैं ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल तो इधर की है तो वो ऐसी है और दूसरी वाली उसके उधर वाली है तो वो वहाँ से ऐसे आ रही है और उन दोनों ने आपस में ओवरलैप किया है और ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो ये ओवरलैप हुई और इस तरीके से ये ओवरलैप हुई, तो ये एक्सिस है, तो ये जो बीच में चार्ज हैं ये किसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, बट दैट प्लेन पे कोई सिमेट्री नहीं है ना, दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए, क्या उनमें कोई सिमेट्री है,
कि किसी तरीके से एक्सिस पर. सो देयर इज नो एक्सियल सिमेट्री, किसी भी तरीके की कोई सममित नहीं होती है. नो सिमेट्री इट एग्जिस्ट बिटवीन ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल और वन प्योर ऑर्बिटल. इट एग्जिस्ट्स इवन इन केस ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल. वन हाइब्रिड एंड वन प्योर ऑर्बिटल, वन हाइब्रिड एंड वन प्योर ऑर्बिटल एंड टू प्योर ऑर्बिटल्स. जबकि ये क्या होता है, इट एग्जिस्ट्स इन प्योर ऑर्बिटल्स ओनली. इनमें हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज़ नहीं हो सकती है. या तो पी पाई बॉन्ड है तो भी प्योर ही है, डी पाई पी पाई तो भी प्योर ही है, और डी पाई तो भी तो प्योर ही है. मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कराना चाहें तो भी हो सकता है. जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि मीथेन के केस में क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल्स एंड चौथी ऑर्बिटल. बाकी हम उसका सम्मान करते हैं कि इधर जो है प्लस है और इसके दूसरी तरफ माइनस है. मैं उस वेव फॉर्म का सम्मान करता हूँ, और इसका जो प्लस वाला है पीछे माइनस है, पीछे नहीं दिखाया गया है. यानी ये मीथेन है, तो मीथेन में जो इसका प्लस है वो इसके प्लस से कर रहा है, यानी दोनों का वेव फॉर्म सेम है. यहाँ निगेटिव छोटा छोटा दिखा दो. अब इसमें भी क्या है, तो यहाँ पर भी प्लस वाले ने प्लस वाले से किया, माइनस दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. और बीच में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस बीच में दिखा दिया है, प्लस को इधर दिखाओ, इनमें इलेक्ट्रॉन दिखाओ. तो यहाँ पर आप क्या देखती हैं, क्या आप यहाँ देख रही हैं कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक कैसी है. सो यानी sp3 s सिग्मा बॉन्ड हुआ बात की नहीं, बताओ. हाँ नहीं बोल दो. ठीक है, जैसे C2H6 में एक ने कहा कि ठीक है हम भी हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, दूसरे ने कहा हम भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ईथेन की बात कर रहा हूँ. और जिन्होंने कहा फिर हमने देखो अपने इधर खोल लिए तीन पंख, और तुम उधर अपने तीन पंख खोल लो, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज हैं. तो ये क्योंकि चार बॉन्ड सबको बनाने ना, सबको तो एच से करना है, तो चार खोलने पड़ेंगे कि नहीं. इसके यहाँ भी चार गेस्ट आए, और इसके यहाँ भी चार आए कि नहीं, तीन हाइड्रोजन आए. तो पहले एक्साइटेड स्टेट होगी, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी, चार बना लिए इसने, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस, और यहाँ सब माइनस माइनस दिखाई नहीं पड़ सकता है, लेकिन अब जो भी है ऐसे ही समझ लो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 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 प्लस, सबकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखाई है, इलेक्ट्रॉन बीच में दिखा दो. अच्छा, क्या आप मुझे यहाँ ये जानकारी दे सकती हैं कि ये जो बीच वाला बॉन्ड बन रहा है ये कैसा है, इसका क्या नाम होगा? जानती हो चीज़ों को, सिग्मा बॉन्ड. और क्या ये फ्रीली रोटेट कर पाएगा? अच्छा, ये हो गया. और ये कौन सा बाउंड है बताओ? sp3s सिग्मा बॉन्ड. अच्छा, कौन सा बॉन्ड इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर है, बता दो जरा. तो फिर इसका मतलब है कि वो बात झूठी हो गई कि सिग्मा बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं. ये नहीं है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, इसमें कोई संदेह था क्या आपको?
इसका भी न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, कहाँ नहीं है बताओ? हाँ नहीं तो बोलो तो आगे तो बढ़े। मेरा कहने का मतलब है कौन सा बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है, इतना आंसर बता दीजिए तो हम आगे बढ़ जाएं। हाँ यही पूछना। सो ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर, कितने सिग्मा बॉन्ड है ये भी बता दो। हाँ सो सेवन सिग्मा बॉन्ड्स एंड ऑल आर एट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिनसे वो बॉन्डिंग कर रहा है उसी उसी की तो एक्सिस देखोगी कि पूरी दुनिया की ठेकेदारी देखोगी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, समझ में आ गई बात? अच्छा देखो मैंने ये दिखाया कि sp3, मेरा कहने का मतलब है कि ये थ्री जरा ऊपर लिखो ये नीचे लिख दिया, ध्यान नहीं गया। अब देखो ये एक हाइब्रिड और एक प्योर से हो सकता है, दो हाइब्रिड से हो सकता है, दो प्योर की तो बात नहीं बतानी ना, दो प्योर को तो हम पीछे दिखा चुके हैं ना, sp pp सब दिखा चुके हैं कि नहीं, ss बोलो, प्योर का तो दिखा चुके हैं, यही दोनों हमने दिखा दिया कि हाइब्रिड से भी सिग्मा वन बॉन्ड बनता है, लेकिन पाई बॉन्ड तो प्योर हाइब्रिड से नहीं बन सकता ना, बताओ? ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने देख लिया सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब अगर आगे की बात देखें, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये चूंकि सिग्मा बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी लेस है, ये जल्दी टूट जाएगा, सो इसलिए ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि अगर, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, N2 है, थ्री बॉन्ड है, दो पाई है उसमें, तो वो टूटेगा पूरा तो नहीं टूट पाएगा ना, N2 तोड़ पाओगे क्या? ट्रिपल बॉन्ड है, 946 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, H2 तोड़ लोगी, 437.5 चाहिए, CH2 भी तोड़ लोगी, CH2 में कितना बताया था आपने, मुझे याद नहीं है, डबल बॉन्ड की 611 बताई थी, थर्ड वाले की 837 और फर्स्ट वाले की याद नहीं आ रही, जो भी आपने बताया था वो देख लेना पीछे से, जो भी है मुझे लगता है कि 500 होगी कुछ, तो ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। अच्छा ये है डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से शेप नहीं देखा जाता एक्चुअली, कैसा है जैसे सिग्मा बॉन्ड से देखोगी, अभी आपने ये देखा कि BeF2, तो क्यों आपने कहा कि BeF2 लीनियर है बताओ, क्यों बोला आप, किसने डिटरमाइन कराया आपको शेप? सिग्मा बॉन्ड ने, पाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि पाई कराएगा, और ये है ना बी, तो बी में कितनी हाइब्रिड और वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ये बताओ, sp है और ये दोनों f के हैं, तो f वाले बाकी भरे होते हैं क्योंकि 2p5 होता है और ये sp हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है उसी से शेप पता चल जाता है, यानी डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और ये क्या करता है, ये डज नॉट डिटरमाइन, ये नहीं कर पाएगा, डज नॉट डिटरमाइन द शेप, कभी sp मिल जाए तो लीनियर बोल देना, क्योंकि टू बॉन्डेड ऑर्बिटल्स हैं इसकी, तो sp में क्या होता है कि बॉन्डेड ऑर्बिटल कितनी होती हैं, टू, sp2 में कितनी होती हैं, sp3 में कितनी होती हैं बताओ, चार हो जाएंगी, तो इसका शेप क्या होगा, अगर दो हैं तो लीनियर हो जाएगा, इसका कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा?
और अगर 4 हो गई तो क्या हो जाएगा? बताती तो ठीक हो। ट्राइगोनल पिरामिडल अगर मान ले चौथी पर लोन पेयर है, अगर सभी बाउंडेड पेयर हैं तो फिर टेट्राहीड्रल है, बात कि नहीं? टेट्राहीड्रल मैं आपकी भी बात लिख देता हूँ, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आप और भी बोलोगी कि सर बेंट भी लिख दो, ऐसा भी बोलोगी ना? H2O भी आपके मन में आ रहा होगा, नहीं है बात कि नहीं? बताओ। और अगर मान लो SP3 के आगे एक D भी आ गया, कह रहा D हमें भी शामिल कर लो, हम भी करना चाहते हैं एल्यूमिनियम, या ये जो फोर्थ थ्री से थ्री पीरियड से आ जाएगा D, कहेगा अब हम 5 हो गए। तो अगर ऐसा हो जाए तो 5 मिल जाएंगे। एक ऐसा हमने सवाल पीछे दिखाया था कि नहीं, D भी एक मर्ज हो रही है तो 5 बन गई, 6 भी बनवा दी थी कॉपर के केस में, CuSO4 5H2O में 6 बनवाई थी कि नहीं? तो एक क्वेश्चन आया था पिछले एक्सरसाइज में, तो डी ने कहा हमें भी मर्ज कर दो, तो क्या 5 हो गई इसके पास? एक एस की, 3D की, 4 और 1 5, तो फिर इसका कैसा शेप होगा? बोलो बोलो, ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों नहीं बोल रही हो? सिमेट्री भी तो देखो ना, बीच में 3 हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। BCL5 का केस ले लो, अभी दिखा देंगे। 5 है तो कैसे रहेंगी? 3 इक्विटोरियल पर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे नहीं रहेगी? बताओ। मान लो अगर SP3D2 हो गई, 2D का हमें ले लो, तब क्या 6 ऑर्बिटल हो गई? काउंट कर लो, तब फिर क्या होगा? छह को कैसे अरेंज करोगी? डाई पिरामिडल नहीं करोगी, स्क्वायर पे एक पिरामिड बना दोगी, एक ऊपर हो जाएंगी छह। तो लिखवाओ ना, ऐसे गलत हो जाएगा वीडियो। जब बताओगी नहीं तो मैं कैसे ठीक करूंगा? इसीलिए तो सिखा रहे हैं कि हमारी गलती कुछ बता सको, वीडियो सही करा सको। SP3D3 कितनी हो गई? क्या होगा? बोलो बोलो, पांच बीच में रख दो, एक ऊपर एक नीचे, कोई दिक्कत? IF7 क्या क्या लिखें? बताया करो। अगले पेज का है सब, ये सब बताना चाहिए आपको। तो अभी ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब इसका एग्जांपल भी कर लें कि इनका शेप क्या होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है कि जिसमें ये चीज़ होती है SP, तो हमने SP का एक एग्जांपल पीछे देख लिया था, दैट कम्स एस कि C2H2 SP है, तो ये इथाइन नहीं हो गया था, और BEF2, समझ आई बात कि नहीं? ये दो दो पी को इसने स्वतंत्र छोड़ दिया, बोला जाओ अपना आपस में डबल पाई बॉन्ड बनाओ, और एक पी से कहा कि तुम हमारे साथ रहो, और एक ऐसे कहा हम दोनों लोग लीनियर लीनियर बनाते हैं, इससे एक ले लेंगे, इससे एक ले लेंगे, तुम भी एक एक कर लेना। दो पी को बोला, इसने भी दो पी छोड़ दी, इसने भी दो पी छोड़ दी, कि जाओ पाई बॉन्ड बनाओ, एच की कमी है, बोला था कि नहीं? तो इसने एक एस और एक पी से दो दो बना लिया लीनियर, इसने भी लीनियर बना लिया, पूरा लीनियर हो गया। अभी फिर से बताएंगे SP2 में क्या बताया, क्या BF3 का बताया था? BF3 का बता दिया, ये इनकम्प्लीट आर्कटेट है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर में होते हैं। या SP2 का एक और भी हम आगे देखेंगे कि SP2 हाइब्रिडाइजेशन कहीं पर होता होगा, तो C2H4 में, इथीन में, किस में होगा?
अभी आगे देखेंगे, बताया नहीं आपको। एक डबल बॉन्ड चाहिए होगा उसमें, बन जाएगा। यानी मैं कह रहा हूँ कि सी एच है तो दो एच से करेगा, कहेगा कि हम इनसे इनसे कर लेते हैं, तीन बॉन्ड बना लेते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर, एक पी से कहेगा तुम आ जाओ तो जाओ फाइव बॉन्ड बनाओ, एच की कमी है। तो इसने तीन बॉन्ड इधर बनाए ट्राइगोनल प्लेनर, इसने ट्राइगोनल प्लेनर। इतना समझ में आ गया? एक चीज भूल रहे हैं आपको बताना कि ये क्या दो टेट्राहीड्रल है, बोलो। एक टेट्राहीड्रल इधर, एक टेट्राहीड्रल इधर, तो इसका शेप क्या बोला जाएगा? डाईहीड्रल। क्या बोला जाएगा? डाईहीड्रल। अब आगे देखो, sp3 किस में होता है? sp3 के बहुत एग्जांपल आपके पास हैं, H2O, NH3, CH4। और क्या जो ऊपर देखा इथेन वो भी sp3 ही है? अच्छा, बाकी के जो एग्जाम्पल हैं वो धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे, ये धीरे धीरे बताए जाएंगे। कुछ जानकारियाँ आपको दी जा सकती हैं, जैसे कि IF7, और ये हो गया SF6, क्योंकि छः हैं। और इसकी एक जानकारी दी जा सकती है PCl5, क्योंकि पांच हैं, हम लोगों को मालूम है। VACPR थोड़ी अभी अभी पढ़ी है, तो पांच तो यही होता है कि नहीं? स्क्वायर बाई पिरामिडल में SF6 में देखा गया है, तीन तो मालूम है ना। और आगे देखेंगे, कभी कभी इस वाले केस में sp3 है तो sp3 की जगह dsp2 आ जाता है। पहले का d 3d4s4p, तो उसे dsp2 कहते हैं। तब चार इलेक्ट्रॉन मिलके स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, वो अलग केस है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट इज, कभी कभी ऐसा होता है, एक और भी टाइप है dsp2, मतलब ये रहेगा 3d का, और ये दोनों किसके रहेंगे? क्या 4s और 4p? अगर d कम n वाला है तो ये बनेगा। और जैसे कभी ऐसा भी होता है sp3d, तो ये अगर जो भी होगा 3s पहले भरता है, फिर 3p भरता है, तब 3d का नंबर आता है। ये चीज हो गई। ऐसा भी हो सकता है, या sp3d में ये भी हो सकता है, ये दोनों 4 के हों, 4s 4p और 3d। अगर d कम वाला है तो बाद में लिखा जाएगा। बात समझ में आई? अगर d कम है तो पहले, और d कम है तो पहले, और s ज्यादा है तो बाद में। अब इसमें क्या है, s और p कम है तो sp पहले, जो कम है वो पहले, जो बड़ा है वो बाद में, ऐसा होगा। तो sp3d, जरा एक मिनट देख लें, दिस इज 3d4s4p, यहाँ d कम है, और d कम है तो पहले लिखा गया। और ये इस केस को हटा दो, ये नहीं है कोई केस, बस यही बात है, d कम है तो पहले और नहीं तो ये। सही है बात वाला? अभी इसको समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ, सारे केस, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट बात क्या आती है? क्या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़े? सब कुछ तो आपने पढ़ लिया पहले से ही। सो लेट अस सी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जहाँ तक इसकी बात है ना, अभी करके देखते हैं तो पता चल जाएगा। अब लाइन से पढ़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक, हमने पहले ही सवाल उठा दिए थे कि CH4 में 90 डिग्री नहीं है, सवाल उठाए गए थे कि नहीं? तो इस वजह से पॉलिंग ने इसमें मॉडिफिकेशन किया और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कि संकरण क्या होता है, कि विपरीत गुणों वाले अगर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं तो उसे संकरण कहते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। What is hybridization? So, Pauling introduced concept of hybridization. वो यही modification है उनका। Pauling, देखो लिखा भी हुआ है उसमें, पढ़ लो। Introduced the concept of hybridization in valence bond theory. तो VBT,
अब है, अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म इक्यू न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. सो बाय दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, known as hybrid orbital. वो combine कर गई, combine हो गई और new बन गई और equivalent orbitals हैं, उनकी सबकी energy same है, उनका symmetry same है. So ये चीज़ें हैं. So now these hybrid orbitals are utilized for bond formation. Now these हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये जो भी चीज है इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन्हीं का इस्तेमाल होगा. वो तो चली गई. विच स्टेबलाइजेस, तो इससे क्या होता है, विच गिव सिमेट्री टू मॉलिक्यूल, इससे होता है सिमेट्री टू मॉलिक्यूल. विच गिव्स सिमेट्री एंड मोर स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल. ऐसी बात होती है. नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज The process of intermixing of orbital, process of intermixing of orbitals of slightly different energies. डिफरेंट एनर्जी, ज़्यादा अंतर होगा तब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो, यानी जैसे एस की थोड़ी सी एनर्जी कम है, पी की ज़्यादा है, तो एस पी मिल गई, बोले ठीक है कोई बात नहीं हम मिल जाते हैं इसके हित के लिए. जैसे ये वन एस की सबसे कम एनर्जी, जैसे जैसे बाहर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फील्ड इन दोज ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग लोअर एनर्जी या विच आर प्रॉक्सिमिटी टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ये पास है. तो 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 3s में गया, फिर 2p में गया. तो 2p और ये बोलते हैं कि ठीक है हम लोग ऐसा करते हैं तुम थोड़ा सा ऊपर आ जाओ अपने लेवल से और हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं अपने लेवल से. तो ना तुम नीचे रहो ना हम ऊपर रहें, हम कहीं बीच में आ जाएं. तो इसको ये थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाता है और ये थोड़ा सा लिफ्ट डाउन हो जाता है, ऐसा होता है, ये डीजनरेट कर जाता है. तो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, इसकी लोअर एनर्जी इसकी हायर एनर्जी है, फिर भी ये अपना बलिदान देने को तैयार है. स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट, ये लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से ये ऊपर चला जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी. वैसे तो ऑर्बिटल नाम के कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पहचान, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलता है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी रीजन है उसी को तो ऑर्बिटल कहते हैं, जहाँ उसकी 95% पाई जाने की संभावना होती है ना. टू रिडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, इससे नई सेट्स ऑफ ऑर्बिटल बनेंगी. ठीक है,
न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सेफ, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, उनकी सबकी एनर्जी एक जैसी रहेगी और क्या उनका शेप भी एक जैसा रहेगा, ठीक है। सो ये चीज होगी। नाउ ये हाइब्रिडाइजेशन है। दीज विल नाउ अरेंज रीअरेंज देमसेल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। दीज यहाँ डेफिनेशन पूरी हो गई। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल विल रीअरेंज देमसेल्व्स अराउंड न्यूक्लियस सो दैट दे आर एट इक्विवेलेंट पोजिशंस। पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसका मतलब क्या है कि देयर इज इक्वल रिपल्शन फेल्ट बिटवीन डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देयर इज न कोई दो ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्शन हो ना कम हो, ऐसा वो कर देंगे। दैट इज सिमेट्री इन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। द इक्वल रिपल्शन is felt by between different pair of hybrid orbitals। जो भी अगर pair wise देखा जाए तो सब पर है या किसी एक hybrid orbital पर बाकी hybrid orbital की वजह से जो repulsion है वो भी same हो। felt between different pair of hybrid orbitals, so it is a kind of symmetric arrangement with respect to space। ऐसा कोई हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनमें plane of symmetry ना हो, कई बार ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगी, जो भी हो लेकिन उसमें एक ऐसी स्थिति अवश्य आ जाएगी कि they are symmetry, they have a symmetry with respect to space। space से घुमा दो, जैसे बॉल को घुमा दो तो सब एक जैसे हो ना, बॉल के अंदर बीच की मोती धागे से बंधी हो उसको घुमा दो सब एक जैसे लगे, वैसे वो कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो कुछ फीचर्स हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के, कुछ गुण हैं उन्हें देखा जाए। सो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स of hybrid orbital या hybridization। क्या है, the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that are hybridized। the number of hybrid orbitals formed, जितनी formed होंगी is equal to is equal to the number of atomic orbitals जो भी होती हैं, ठीक है, degenerated, उन्होंने अपनी मृत्यु कर दी, degenerated, ठीक है, या hybridized। जिन्होंने पार्टिसिपेशन लिया कि हम हाइब्रिडाइज होंगे उसमें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज आर इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। कई बार जिन्हें बॉन्डिंग नहीं करनी, जिनके पास लोन पेयर है, जैसे H2O में दो ऐसी हैं, उनसे भी कह दिया गया ठीक है तुम भी आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन में, जिससे सिमेट्री तो बनी रहे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्यू टू सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। सो हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स ठीक है, देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ड्यू टू देयर सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ड्यू टू देयर सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अगर उनकी स्पेस में एक जैसी सिमेट्री होती है इसलिए ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो संकर कक्षाएं हैं वे एटॉमिक परमाणविक कक्षाओं से अधिक स्थायित्व देती हैं किसी भी अणु को। नाउ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन। सो दीज, ये बात यहाँ बता दी गई है और बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस, डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम, बहुत अच्छा सेंटेंस है, सम प्रिफर्ड डायरेक्शन। सम प्रिफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन, टू हैव, जिससे कि उनमें मिनिमम रिपल्शन रहे, ये बात हमने ऊपर कह दी थी रिपल्शन, लेकिन ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, इसमें प्रिफर्ड डायरेक्शन है ठीक है। बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो उनके बीच में कुछ प्रिफर्ड डायरेक्शन है जिससे रिपल्शन कम से कम रहे, एंड दस ए स्टेबल गिव्स ए स्टेबल अरेंजमेंट, एंड दस हैव ए स्टेबल अरेंजमेंट, तो इनमें एक स्थायी व्यवस्था होती है, स्टेबल अरेंजमेंट। ओके, देयर फॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, देयर फॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो बात हो गई कि फीचर्स क्या हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती कैसी कैसी। फिर एक और बात आती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या है, क्या 2s जो है 4p से कर लेगी या ऐसा कुछ कर लेगी, एक एम्प्टी है क्या वो भी कह देगी कि मुझे भी हाइब्रिडाइजेशन में ले लो। कुछ कंडीशन ऐसे नहीं कि कोई किसी के साथ भी कर ले, ऐसा नहीं होता है। सो इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट कंडीशन, और क्या जो टर्मिनल एटम है वो भी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, किसे करना होता है, किनकी किनकी होती है हाइब्रिडाइजेशन। सो इनकी कुछ स्थितियां हैं, उन विशेष परिस्थितियों में ही होता है। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल्स आर हाइब्रिडाइज, कोर कोर ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होती, 1s नहीं होगी, अगर 2s 2p हैं किसी में तो वो होंगी, 1s कहेगी हम तो नहीं करते, हमारा तो पूरा है, तो कोर वाली जो शेल है वो नहीं करेगी, वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स ही करती हैं। पहला, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, क्योंकि उनको ऑक्टेट पूरा करना है, इन द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज, आर हाइब्रिडाइज्ड वो होती हैं। सेकेंड, द ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, द ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग
हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। मेरा कहने का मतलब है, पहली बात समझ में आई कि कोर ऑर्बिटल नहीं हाइब्रिडाइज होगी। मान लीजिए जैसे एफ है, तो एफ में 1s2 है, 2s2 है, तो 2p5, इनके हाइब्रिडाइज होने की संभावना है, ये हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगी। बात समझ में आई, क्योंकि कोर वाली नहीं होगी। और यहाँ पे देखो ऑर्बिटल, उनमें ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ भी लिख लो फिर से। तो अगर इनमें एनर्जी का डिफरेंस देखो, हुई 1s2, 2s2 और 2p5, 2p5, पहली बात तो ये चीज़ है कि ये इसकी एनर्जी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है और इसकी ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी px, py, pz है, वो भी तो अपनी अपना अस्तित्व खो रही हैं। ये क्यों नहीं सोचते, ऑर्बिटल्स की बात की जा रही, कोई सबशेल की तो बात की नहीं जा रही है। चार ऑर्बिटल हैं, एक इसमें px है, एक py, एक pz है, वो इंडिविजुअली भी तो राजी हुई हैं कि नहीं, बोलो। पहली बात तो ये है, विल नॉट गेट हाइब्रिडाइज्ड, क्यों नहीं होगी, ड्यू टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस। ड्यू टू एनर्जी की बात है तो एनर्जी की कर लें, ड्यू टू लार्ज एनर्जी, 1s का 2s से ही बहुत डिफरेंस हो जाता है, उसमें कितनी केमिस्ट्री बदल जाती है, डिफरेंस। अच्छा, ये सब हो जाएंगी, इसमें px हो जाएगी, py हो जाएगी, pz हो जाएगी। इनके बारे में कभी सोचा था कि ये भी मर्ज कर रहे हैं, इनका भी त्याग है, 2s2, तो किसी में 2 है किसी में कुछ है, वो देखा जा सकता है। 1s2 इक्वल एनर्जी की होगी, वही हाइब्रिडाइज होगी, सीधी बात है। और अगली बात क्या है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, जरूरी नहीं कि एक्साइटेड स्टेट आए। एक ऐसा हमने देखा था ना, ग्राउंड स्टेट से सीधा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने एक एग्जांपल आपको बताया था, आपको याद है तो बताओ, जैसे था वैसे ही। मुझे लगता है बी का तो नहीं था, बी तो नहीं था, बी मतलब जिसमें दो दो हैं, तो पी में एक चला गया, बोरॉन था क्या, बोरॉन भी नहीं था, वो देख लेना पीछे। मतलब एक्साइटमेंट इज नॉट द कंडीशन, जरूरी नहीं कि एक्साइट हो, समझ आई बात कि नहीं, हाँ नहीं बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है, अभी आई कि फिर से करें, इट इज नॉट द प्योर, आवाज आ रही है, आई आवाज मानसी। सो इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, कि एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे ग्राउंड स्टेट, मतलब फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन कैन टेक प्लेस बाई पासिंग द एक्साइटेड स्टेट। फ्रॉम ग्राउंड स्टेट itself can hybridization take place
बाईपासिंग एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ना है, सीधी हो जाए। चौथी चीज क्या बताई गई कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जो फुली फिल्ड है वो भी कर सकती हैं, इवन इन सम केसेस, जैसे H2O में सम केसेस जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। फुली फिल्ड का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। इन ठीक है, एस के साथ पी का और पी के साथ डी का एसपीडी, ये तीनों मिलके भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकती हैं अगर एक जैसी एनर्जी की हो। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स नेवर टेक पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। नोट, इट इज द टर्मिन द सेंट्रल एटम, या कई सेंट्रल एटम है तो वो सारे भी टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन हाइब्रिडाइजेशन उसको कहते हैं कि होस्ट एटम, एंड टर्मिनल एटम को गेस्ट एटम कहते हैं। तो टर्मिनल एटम जो अतिथि आ रहा है वो अपना घर नहीं ठीक करेगा, होस्ट को करना पड़ेगा। टर्मिनल एटम्स नेवर गेट हाइब्रिडाइज्ड, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि हाइब्रिडाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं। बाकी हमने आपको बता दिया है, अगले पेज पे पलटोगी तो सारी चीज़ें हैं, उनको हम बताएंगे भी कि SP3 SP2 ये सब क्या है। 120 पेज पे ऐसा एक टेबल बना हुआ है कि कौन कौन से होते हैं, क्या इनके एग्जांपल हैं। फिर हम PCL5 SF6 सब चीज़ बनी भी है, तो हम इन पर एक एक करके अब डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी 12:15 पर होगी। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।